फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। टुडे वी आर मेकिंग बिस्किट केक इन कुकर और इन प्रेशर कुकर। यू कैन ऑल्सो मेक इट इन इडली कुकर। हेयर आई एम मेकिंग चॉकलेट केक। सो द बिस्किट्स आई एम यूजिंग हाइड एंड सीक, बर्बन बिस्किट्स एंड पाले जी, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ लाइट चॉकलेट केक। दैट इज वाई आई एम एडिंग दीज क्वालिटी बिस्किट्स। इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज ओनली, इफ यू वॉन्ट टू मेक डार्क चॉकलेट केक देन यू कैन यूज ओनली हाइड एंड सीक बिस्किट। आई एम यूजिंग सम चॉकलेट हेयर। आई हैव टेकन 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ चॉकलेट फॉर गिविंग इट एक्स्ट्रा चॉकलेटी फ्लेवर। कंडेंस्ड मिल्क, दिस इज टोटली ऑप्शनल। इफ यू वॉन्ट टू यूज दिस देन यू कैन यूज, एंड इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड इट यू कैन यूज द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क। सो हेयर आई एम यूजिंग 1/4 कप ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। हेयर आई एम यूजिंग व्हाइट चॉकलेट चिप्स। मैंने इन्हें मैदे में कोट किया है ताकि ये बिल्कुल केक में नीचे नहीं बैठेंगे। दैट इज वाई आई एम यूजिंग 1/4 कप ऑफ व्हाइट चॉकलेट चिप्स। दे विल एनहांस द फ्लेवर एज वेल एज द ब्यूटी ऑफ द केक। 4 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। हेयर आई हैव टेकन ऑलिव ऑयल, यू कैन टेक एनी ऑयल। पाइनएप्पल एसेंस, यू कैन ऑल्सो यूज वेनीला और चॉकलेट एसेंस। 1 कप ऑफ मिल्क, यहाँ पर मैंने फुल कप लिया है मिल्क का। एंड आई विल यूज वाटर टू एडजस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द केक। एंड आई एम यूजिंग इनो एज द इमल्सीफायर। यू कैन ऑल्सो यूज बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बट हेयर आई एम यूजिंग इनो विद सम अमाउंट ऑफ बेकिंग पाउडर। आई विल यूज जस्ट 1/2 teaspoon ऑफ बेकिंग पाउडर। सो नाउ वी विल क्रश आर बिस्किट्स। इफ यू वॉन्ट टू मेक योर केक मॉइस्ट देन यू कैन एड, यू कैन स्टीम योर केक। हेयर आई एम ऑल्सो स्टीमिंग माई केक, बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू मेक इट मॉइस्ट और सॉगी काइंड ऑफ केक देन यू कैन जस्ट बेक इट इन द प्रेशर कुकर विदाउट एनी वॉटर। Now we will crush our biscuits. You can crush it in mixy also. So friends, here my crushed biscuits are ready. Now I will add the chocolate and I will add some milk. Now I will use my condensed milk. If you don't want to use your condensed milk, then you can avoid and add 3-4 tablespoons of milk. Friends, now I will mix it well, और मुझे इसमें कोई भी lumps नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, आर बैटर इज रेडी। आप इसमें जो ये चंक्स देख रहे हैं, दीज आर बेसिकली चॉकलेट, सो इट विल मेल्ट बाय हीटिंग। सो नाउ वी विल ऐड आर ऑयल, इट विल गिव अ मॉइस्टनेस टू आर केक। इफ यू आर हेल्थ कॉन्शियस देन यू कैन अवॉइड और यूज लेस अमाउंट ऑफ ऑयल, बट आई एम यूजिंग इट इन द प्रॉपर अमाउंट। जस्ट मिक्स एवरीथिंग वेल फॉर मेकिंग योर केक। नाउ आई एम गोइंग टू एड 1/2 teaspoon ऑफ, सॉरी लेस देन 1/2 teaspoon ऑफ
बेकिंग पाउडर. आई एम यूजिंग वेरी लेस अमाउंट बिकॉज आई विल यूज इनो हेयर. इफ यू आर नॉट यूजिंग इनो देन यू कैन यूज बेकिंग सोडा एंड विनेगर. 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा and 2 teaspoon of vinegar. Now I will add these chocolate chips. So our batter is ready. Here I have greased my tin and I will dust it with some maida. Ye dekhiye maine apna tin dust kar liya acche se. Now I am going to use Eno. Friends, maine ab tak isme Eno add nahi kiya because we are adding it right now at the end of the mixing process. Friends, you can see our batter has become so fluffy by adding Eno. So now I'm going to pour it very quickly in my pan. I have filled my pan third foot. So now quickly tap it. Friends, here I have prepared my cooker with hot water and a stand in it. Now I will put my cake tin in the cooker. Now I will remove the whistle of the pressure cooker and close the lid. And I will cook it on medium heat for around 30 minutes. So we will meet after 30 minutes. You can also make it without adding any water. अबाउट 35 मिनट्स हो चुके हैं. अब हम अपना प्रेशर कुकर खोलेंगे. वाओ, आवर केक हैज कंप्लीटली डन. यू कैन सी द टूथपिक इज क्लीन. सो नाउ वी विल टेक इट आउट. दीज आर द चोको चिप्स. ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो केक है वो बहुत अच्छे से बेक हो गया है. आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा क्रैक आया है और इसके जो एजेस हैं वो भी लूज हो गए हैं. We will rest it up for about 5 minutes, then we will take it out from the tin. Friends, 5 minutes ho chuke hain. Ab hum iske edges loose karenge sabse pehle. And then we will remove our cake on the plate. Give a slight tap. Wow, it is looking really beautiful. You can see, you can feel the sponginess and you can see it is evenly baked. So now we will turn it. It is looking really beautiful. Now I will cut a piece of cake for you. So friends, now I will cut a slice of my cake for you. I would like to show you the moistness and the gooiness of the chocolate cake. So if you like the recipe of the steamed chocolate cake, then please do subscribe and thanks for watching Khana Manpasand.